सिर्फ एक आवाज़ चाहिए मुझे, सिर्फ एक, थोड़ी सी भी ये रिपीट जो है ये नहीं होनी चाहिए। सीटी बंद करके आवाज़ जो सामने वाले डब्बे हैं दोनों की खोल दीजिए। दोस्तान अजीज़, आज जिन हजरात ने यहाँ पर इस खूबसूरत महफिल को तरतीब दिया, मैं दुआगो हूँ खल्लाक आलम इनके रिस्क माल जान औलाद में बरकत अता फरमाए, और वह अहबाब जिन्होंने दामे दिरमे सुखने कदमे तावन फरमाया, खल्लाक आलम सबको कदम कदम पर खैर बरकत अता फरमाए। मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद तनवीरुल हसन साहिब अल मदनी दामज़िल्लुहु, आपने मुझे हुक्मन फरमाया कि आप यहाँ पर हाज़िरी देंगे और यहाँ पर आकर अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफीक से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे भाई मोहम्मद अनीस साहिब और भाई मोहम्मद अशफाक साहिब और दीगर इनकी टीम के काफ़ी सारे लोगों के नाम मेरे तक पहुँचे हैं, मैं दुआगो हूँ खल्लाक आलम इन सबको जजाए बेहतरीन अता फरमाए, और जितने भी अहबाब हज़रात बिलखसूस सादात उलमा आप तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम आप सबको भी खैर बरकत नसीब फरमाए। अगर आप महसूस ना फरमाएं तो ये जो मोबाइलों से वीडियो बना रहे हैं ये जेबों में डाल सकते हैं मोबाइल आप हज़रात, अगर महसूस ना फरमाएं तो उसकी वजह यह है कि ये वीडियो बन रही है आप यहाँ से ले लीजिएगा, आपकी ना तवज्जो इधर रहती है और साथ वाले बैठने वाले भी बेचारे ना उनकी तवज्जो बट जाती है और गुफ्तगू का जो असल मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आप मेरे हाल पर शफकत फरमाएंगे, थोड़ा मोबाइल की दुनिया से आप निकल के बैठेंगे ठीक है, ताकि ना बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयसर आ सके। यकीनन काफ़ी देर से महफिल जारी उसारी है, हमारे भाई मोहम्मद मुनव्वर साहेब काफ़ी देर से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इन्होंने बड़ेपन का मुजाहिरा किया, और अक्सर जब ये होते हैं तो बहुत मोहब्बत करके अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, वरना हमें हाज़िरी सुनाते सुनाते ही वो 15-20 मिनट लग जाते हैं और आवाम परेशान हो जाती है, तो ये तरबियत याफ्ता बंदे का यही फ़ायदा होता है, अल्लाह इनको जज़ा दे। हज़रत अल्लामा साहब ने मुझसे कबल जितनी मैंने गुफ्तगू सुनी बहुत अच्छे अंदाज़ के साथ अपना सबक सुनाया है, अल्लाह करीम इनकी भी हाज़िरी कबूल फरमाए, नात खानों की कुर्रा हज़रात की सब हज़रात को अल्लाह करीम बेहतरीन जजा अता फरमाए। हज़ूर दी सीटी बंद करो ना ज़रा, इसको बंद कर दे, दूसरे जितने यहाँ माइक हैं ये बंद कर दीजिए। अल्लाह अकबर। दोस्तानी अजीज़, जो उनवान मेरे ज़िम्मे है वो है करबला से वापसी, और मैं भी यही चाहूँगा, यही मुझे बताया गया था और यही मैं आपके सामने सुनाने का इरादा रखता हूँ। आपका क्या इरादा है, सुना दूँ ये आपकी खिदमत? आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि मौली साहब किस वक्त सुर लगाएंगे, मैं उक्का बेसुरा जी, लेकिन बातें मैं सादा करने का आदि हूँ, किसी को अच्छी लगे सुभान अल्लाह, ना लगे डबल सुभान अल्लाह, बातें सादा। ये जितने बच्चे बैठे हैं आपने भी बात नहीं करनी, कोशिश करें कि आप सबक सुने ज़रा शफकत के साथ, और जितने आप अहबाब हैं आइए एक हदीस शरीफ से तवज्जो के साथ हम गुफ्तगू करते और सुनते हैं। ऐना ज़रा चाल लड़िया, ज़रा मेहरबानी यार जगह थोड़ी गली ना, और मेहरबानी करें इनकी आप ऐसे खिदमत करते रहें, इधर स्टेज वाले पास ना ही खुशबू वाला भी हो ज़रा गले पे भी अटैक कर जाती है। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमान अक्दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, हुजूर फरमाते हैं कि जो मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कतबल्लाहु बैन ऐनैही, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है, ज्यादा पढ़ेंगे तो बरकतें बेशुमार, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए जो आयत तैयबा मैंने पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सबरी वस्सलाह, ए ईमान वालों मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन,
बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। बिल्कुल सादा मफहूम है, लेकिन इसके दामन में कुछ जरूरी मोती हैं जिनको चुनना इंतहाई जरूरी है। पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अब इसका मैं तफसीरी आपको तर्जमा दे रहा हूं, तफसीरी फरमाया, जब तुम्हें कोई मुश्किल आ जाए तो उस वक्त तुम मदद हासिल कर सकते हो, किससे? नमाज से भी और सब्र से भी। तवज्जो है सब्र, बेटे को बैठने की जगह दीजिए, इसको पीछे अल्लाह अकबर है जगह तो ठीक है, बह जा मेरा चन, छेती कर छेती, जल्दी कर जल्दी बह जाओ, अल्लाह अकबर। पहली बात यहां काबिले गौर ये है कि फरमाया जब तुम्हें कोई मुश्किल आ जाए ना तो तुम नमाज से और सब्र से मदद हासिल कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है जितने हम लोग बैठे हैं एक छोटा सा मसला ना हल कर लें, अगर आप तवज्जो करें तो। ये जो कुरानी जबान होती है ना, ये सबके लिए दलील होती है। अब यहां पर बसौकात ना दायरे बहुत छोटे लोगों ने लगाए और कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाए, उम्मत मुस्तफा को तकसीम करके रख दिया, जबकि कुरान का असल मतलब वो जो माना था वो समझ नहीं सके। अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे। मैंने कहा अल्लाह खुद कह रहा है कि जब मुश्किल आ जाए तो नमाज से भी मदद ले लो और सबर से भी मदद ले लो। अगर किसी भी और चीज से मदद हराम थी तो अल्लाह फरमाता भी मुझसे ही लो, तुम और कहीं नहीं जा सकते हो। तो ये क्यों फरमाया? एक मैं नहीं पता। मैं क्या बच्चा जे पता होता तो सुननी ना होता, यही तो मसला है असल। ये क्या बात हुई, तुम्हें पता नहीं कुरान है ना, उन पता कर रहा है। फ्रांसिस्टो वाले जरा मेहरबानी फरमाएंगे, ये गलत बात है। उम्मत को किसी और दलदल में मत घसीटा जाए, मेहरबानी करके कुरान का जो मफहूम है उसको समझा जाए। फरमाया जब मुश्किल आ जाए तो तुम नमाज से भी मदद ले सकते हो, सबर से भी ले सकते हो। नमाज भी गैरुल्लाह है और सबर भी गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह की तरफ तो रब खुद भेज रहा है, तो शिर्क तो नहीं हुआ। समझ आ रही मेरी बात की? वो नहीं, असल में ये सबब है अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए, तो इसलिए मदद जायज है। तो मैंने कहा बताया इस कायनात में कोई मेरे नबी से बड़ा सबब भी है? क्यों भाई? अगर सबब से ही मदद लेनी है, मैं बिल्कुल सादा इसी अंदाज में तकरीर करने का आदी हूं भाई, अगर सबब जो अल्लाह की बारगाह में जाने का सबब बन जाए, अगर उससे ही मदद लेनी है तो भाई फिर आका से बढ़ के कौन सा सबब है? तो कहा कोई भी नहीं। मैं क्या फिर उन्हें कुल भी मदद ले सकता? बताइए सहाबा सबब हैं कि नहीं अल्लाह की वारगा में जाने के लिए? अहले बैत बोलो ना, अहले बैत अथार सबब हैं कि नहीं है? कुरान सबब है कि नहीं है? काबा सबब है कि नहीं है? तो ये दो इसलिए बताए थे ताकि तुम्हें मालूम हो जाए दो असी दसे ने, बाकी जेड़ा जेड़ा सबब हो वे ले सकते हो मदद। यही तो वजह थी सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान आका करीम के पास आते थे, हुजूर बारिश नहीं हो रही, ऐ मी तो बस वाह ना अल्लाह को जरा दुआ करो ना, सबब यही थी ना। ये हुजूर ने भी ये नहीं आख्या भी यार वही अल्लाह मेरा है, वही तुहाडा है, ओने ओ भी मेरी सुननी तुहाडी, आपे ही मांग लो दुआ, ऐ मेरे को लाउंदे हो, ऐ तो शिरक है ना। सुभान अल्लाह। चार पांच बंदे स्टेज पर भी बड़ी इस्तेकामत के साथ चुप करके बैठे हुए, आप बोल सकते हो? इस बात को समझिए आप। तो ये उम्मत पर कुफ्र और शिर्क के फतवे ना लगाए जाए, समझ आ रही है? अच्छा देखे ना, आंख निकले सहाबा की तो वो हुजूर के पास आ गए, और आका करीम भी क्या फरमाते हैं, ये नहीं कि चलो आ दवाई लाते आ वजीफा ही तैयार करना, ना 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 औरे नेड़े आ आंख रखी लाया लो आप तो अच्छे वेले फेट कर चढ़ी, कमाल वाली गल है यार। क्या ये है क्या, मुझे बताओ, ये तो नहीं पता। तो मैं कह यही इश्क है, यही सुन्नियत है, यही मोहब्बत है, और यही हकीकत है। बाजू कट गया तो वो हुजूर के पास आते हैं, मेरे आका करीम लुआ पे दहन लगा के जोड़ते हैं, फेट। समझ आ रही है आप अगर आपको कि कोई नहीं आ रही है? इसी आप देख ले यार, ये एक लंबी दास्तान है, तकरीर मेरी सारी इस पे हो जाएगी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उम्मत पर कुफ्र और शिर्क के फतवे ना लगाए जाएं, ये बुजुर्गों के पास सारे ही आए हैं। मैं एक सादा सी बात कह दूं अगर आप जाग रहे हैं तो, ये कैसी बात है, अपने पराये से भी मानते हैं। और देखें हजरत फारूक आजम का जमाना है, और कहेंगे सारी किताबें भी लिखे ऐसी पढ़े गल बड़ी सही है सच्ची है पकड़ी है। मैं को कहड़ी? हजरत उमर का जमाना था, दरियाए नील सही नहीं चलता था, हर साल एक लड़की को तैयार करके डालना पड़ता था, तो फिर वो चलता था, एक जाहिलाना रस्म चल रही थी। तो वहां जब मुसलमानों की हुकूमत गई, उन्होंने हजरत उमर को खत लिखा, तो हजरत उमर ने फरमाया इस्लाम तो जहालत की किसी रस्म को पूरा करने की इजाजत नहीं देता, चूंकि ऐसी रस्म पूरियां करने नहीं आए, ऐसी तो मुस्तफा की सुन्नत पूरी कर।
आपने जब ये बात कही तो ना भी सरकार फिर दरिया सोकता पिया जे सीधा होके नहीं बैठ उड़ता, तो आपने एक रुका लिखा कागज के ऊपर और फरमाया कि ये उमर बिन खत्ताब की तरफ से है दरिया, ये अपनी मर्जी ना चलना तो चलते भावे बुढ़ू ना चलते, ये रब चला जब बंदे का पुत्र बन के चल, अगर आपके हाथ भी हैं तो आप उठा सकते हैं, कोई आज की बात नहीं, कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं जनाब, कोई टेंशन वाली गल नहीं, रज के बोलो तो खुश होके बोलो। आपने जब ये बात आपने रुका लिख दिया और यार किसी ने भी नहीं आख्या यार अल्लाह के अलावा तू कुछ कर ही नहीं सकता, किसी ने भी नहीं आख्या, उन्होंने रुका लिया अगलिया भी नहीं आख्या भी हजरत दरिया को पढ़िया लिखा है, वह दिमाग है, वह अखा ने, वह कड़ा कभी को कालज गया है, वह उन्होंने कितों परची पढ़नी आनी है, उन्हें भी पढ़िया तो दरिया के बिच सुटिया, तो दरिया अज नहीं कियामत तक वास्ते बंदे का पुत्र बन के चलता पाया। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, फ्रंट सीटों वाले दो चार बंदे चुप करके बैठे हुए, ये क्या है सब कुछ मुझे पता, ओए अल्लाह के बंदो अल्लाह ताला जिसको ताकतें अता कर दे वो सब कुछ कर सकता है। असल बात ये है अब बात समझ आई है आप सभी हजरात को कि कोई नहीं आई, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इन मसाइल को समझिए कुरान मजीद कुरान रशीद। हाँ इधर देखिए मसला मैं आपको समझा दूं, असल में खता कहां से खाते हैं, मसला ये है कि अगर आपने किसी से मदद मांगी है खुदा समझ कर तो आप मुशरिक हो जाएंगे, अल्लाह के अलावा किसी को खुदा समझ के मांगी तो मुशरिक हो जाओगे। हाँ अगर अल्लाह के अलावा किसी से इसलिए मांगी यार असली मददगार अल्लाह ही है, मगर तवज्जो फरमाएं भी तवज्जो, असली मददगार अल्लाह ही है लेकिन अल्लाह ताला जिस पर फजल कर दे उसको ये ताकत बख्श देता है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है, तो मैं इसलिए करूं कि अल्लाह ने इसको ताकत दी हुई है, बस अगर ये अकीदा है दैट्स ओके, कोई शिरक नहीं है जनाब, ऐ मसला, वरना पे बंदा अपने चाचे नूं कहिंदा है, मामे नूं कहिंदा है, रिश्तेदारां नूं गुआंढी नूं कहिंदा थोड़ी जी मदद कर दे, तुसीं तो फारग हो फिर। मैं छोटी सी मिसाल दे यार, सारियां छड़ दियो, सारियां छड़ दियो, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला हर आफत से महफूज फरमाए, सैलाब कितना आया हुआ है, है? अब देखिए सारे ही बंदे, अब इसमें मैं किसी पे तंकीद नहीं कर रहा लेकिन मसला मैं खोल के रख रहा हूं, सुनियों के अलावा भी जितने मसाले कहना वो भी सारे टेंट लगा के बैठे को घंटा घर बैठा देखो जना गुंट गुमटी बैठा देखो फलाना, इमदाद कीजिए, मैं आही इमदाद असी हौस पाक को मंगिए का खेल है, तवज्जो नहीं फरमाई, घंटे घर तू सारे जनाब बिजनेसमैन तो मंगे तो जायदा बिजनेसमैन कर सकता, गौसे आदम नहीं कर सकता, केड़े कमी पै गए, जल्दी करो यार, समझ आ रही है, तो गिरामी कदर हजरात ये लोग कहते कुछ हैं करते कुछ, ऐसा ना करो, इस उम्मत को उसी अकीदे पे रहने दो जो 1400 साल पहले मेरे आका ने अता फरमाया। अब आप समझ आइए आप हजरात को, अगर आप ये मसला समझ चुके हैं तो आप जरा आगे चलिए, अल्लाह ने फरमाया जब मुश्किल आ जाए तो उस वक्त तो मदद हासिल कर सकते हो नमाज से भी और सबर से भी। आगे बड़ी कमाल दी गल जी, ध्यान रखिए जरा, फरमाया मैं सबर वालों के साथ हूं, क्या कहा मैं, अच्छा यार आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं पीछे ने दो शया नमाज भी सबर भी, अगे मैं सबर वाले दे नाल, या अल्लाह तू नमाजी दे नाल कोई नहीं, इस जुमले का लुत्फ ना जरा अपने दिल में उतर के लीजिएगा, मैं शायद आपको ये ना कह पाऊं कि जरा तवज्जो करे और ऊंचा बोले शायद ना कह पाऊं लेकिन आपने खुद महसूस करना है, पीछे हैं दो चीजें नमाज और सबर, मैं सबर वाले दे नाल, तो क्या या अल्लाह तू नमाजी के साथ नहीं है, मैं अब तफसीरी तर्जमा, आपको पता मैं हजरत अत्तार का नौकर हूं और आला हजरत का मलंग हूं, ये जुमले का आपने लुत्फ लेना है, उलमाए तफसीर कहते हो भी इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह नमाजी के साथ नहीं है, अल्लाह नमाजी के साथ है पर कौन सा नमाजी, फरमाया सब्र वाला, बेसब्रे नमाजी के साथ नहीं है, समझ आइए कोई नहीं आई आप, इस बात को समझिए, नमाजी हो और फिर सब्र वाला हो तो मजा फिर आता, अब ये जो तर्जमा है इसने करबला का फैसला कर दिया, और आप कहेंगे कारी साहब क्यों किदा तू यकदम करबला नू चौ पहुंच गया, खैर ते आई ओ सुनो मेरा चन इधर देखिए, जो सामने लश्कर था ना इमाम अली बाग के, वो कलमा भी पढ़ता था, उनकी दाड़ियां भी थी, वो जुमे भी पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, ते पगड़ियां तोड़े साढ़े तो चौकियां बटियां बांधते थे, ते अरबी भी सारे तो बहुत ही से जान दे, आवाज कमजोर वाली है, वैसे उन्होंने जरा किरदार पेश किया है ना जी, वह तो काफना तो भी बदतर है, जो इमाम के नाल उन्हें कर छड़िया है,
काफरा तो भी बदतर है, काफिर भी लड़न जाता होगा भी यार किन्ने गंदे लोग सन, लेकिन बजाहिर वो कलमा पढ़ते थे, बजाहिर वो अपने आप को मुसलमान, बजाहिर वो सब कुछ करते थे। अगर अल्लाह ये कह देता कि मैं नमाजी के साथ भी हूं और सबर वाले के साथ भी हूं, तो लोग का रौला पौना सी अल्लाह इधर भी है उधर भी है, पर मैं नहीं हूं नहीं कितने भूल च ना रही, असी सबर वाले दे नाल हां, सबर हुसैन दे कोल है कि अल्लाह भी हुसैन दे नाल। नारे तकबीर, नहीं फरमाई तवज्जो नहीं फरमाई, आप सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं, इस मोहब्बत, इस मोहब्बत, इस मोहब्बत आपका, आपको बात समझ आ रही है, आप जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं बड़े गौर के साथ समाप्त फरमाइए इन बातों को। गिरामी कदर हजरात, ये इस आयत ने फैसला कर दिया, और अगर आप थोड़ा गौर करें, अभी भी मैं देख रहा हूं दो तीन मोबाइलों में लगे हुए, निकल सकती है अगर नाराज ना हूं तो, नाराज ना हूं, नाराज ना हूं तो मैंने सारा ही दिसता है क्योंकि क्लास च बैठने वाला बंदा मैं, ओ ना ये तुसी जे सके भी करना मैंने पता लग जाना, ते नाराज ना हो जी मैं माफ कर छड़िया जे, ये मैं तुम्हें कौन कढ़न दे, मतलब पहले दस छड़ा तुसा, बस तवज्जो करनी है, आ मसले समझ लो ते मेरे वास्ते इन्ने ही काफी जे, मैंने तो उस्ताद आर्डर दिता तो मैं नौकरी देने आया बैठा, ते उस्ताद साहब उमरे ते परसों दे चले गए जे, ते हुण फोन किया भी मैं मदीना शरीफ तो मक्का शरीफ जाता पे, फरमाया कि पहुंच गया, मैं कह जी पहुंच गया जी, नौकरी दे, मैं कह जी आर्डर जी, ठीक है आप जरा ध्यान फरमाइए ताकि अगली बात भी आप, और मुंडे नूं बिठाओ यार ताकि बह जाए, पैसे देने तो नहीं आता पाया, फड़ के अगे बचा दे, आहो जिन्हें पैसे ले आता एडा तेरा किराया ही बन जाना, आहो ऐदा ही ऐदा जिन्हें देने भाई दी अगे टोर दिया करो यार, उठ के आओगे तो बड़ा लंबा सफर है यार, पहलों बिल बहुत आ, बोलो तो सुभान अल्लाह, मेरी सुती पई कौन, नाराज तो नहीं हुए आप, ना सुने नाराज ना हो जे, तो हो ना सवेरे उस्ताद को मेरी शिकायत ला छे, थोड़ी मेहरबानी, मसला जरा मुहब्बत की दुनिया समझिया जे, फरमाया के अल्लाह सबर वालों के साथ है, नमाजी का क्यों नहीं कहा, ताकि फर्क हो जाए, एक मिसाल है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, अगर आपको समझ आ गई तो करबला का फैसला इशारत नस के जरिए इससे भी साबित हो गया, और वो क्या है, फरमाजीदार सबर है उधर अल्लाह की मदद है, उधर अल्लाह की हिमायत और नुसरत है, और सबर किसके पास है, वो तो मेरे लजपाल हुसैन के पास, और सुनिए सुनिए इमाम अली पाक का सबर कैसा था, और यहां पर मैं पहले आपको एक हदीस सुना लू, इधर देखिए मेरी तरफ, इमाम पाक जब शहीद हो गए और आपके बाकी रफका भी शहीद हो गए, कोई माई का लाल साबित कर दे सही हो सनद रिवायात से कि इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने बेसब्री की हो, नहीं बेसब्री किया, ये मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, इसलिए ओ तुसा सुनिया होना है ना, कहते ने कि जिसले बंदा सबर करता है ना उसले अल्लाह ताला ही रेहत फरमा छड़ता है, चुप रवे ता मोती सबर करे ता, समझ आई होवे ता, चुप रवे ता मोती ते जे सबर करे ता, मैं क्या हुसैन तो बाद फिर हीरे लै कौन सकता, ये हो ही नहीं सकता, आपने बाबेला किया हो या आपने ये जो तूफाने बदतमीजी ये नहीं, हो ही नहीं सकता आपसे, ये तवक्को ही नहीं है, क्यों, इसलिए एक तो सबर आपने सीखा ही सबर है, और दूसरी वजह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया है, अगर आप जाग रहे हैं तो ये सुना दूं आपको मजमऊ ज़वायद की एक रिवायत, मेरे आका करीम ने फरमाया दो आवाजें मेरे अल्लाह को बहुत नापसंद हैं, गौर करे अल्लाह हमें सारा चानण हो जाएगा, एंड हजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे जवाब में उल कलम अता किए, इसका क्या मतलब है, फरमाया मैं जुमले थोड़े बोलता हूं मफहूम क़यामत तक के लिए निकलता है, इतना लंबा चौड़ा मफहूम होगा, और क्या है, फरमाया दो आवाजें अल्लाह को ना पसंद है, कौन कौन सी, फरमाया जब बंदे पर मुसीबत परेशानी आ जाए बंदा वावेला और बेसब्री रोना पिटना शुरू कर दे, फरमाया यह भी अल्लाह को पसंद नहीं है, और जब खुशी आ जाए बंदा ढोल खड़काने लग पाए यह भी अल्लाह को पसंद नहीं है,
फरमाया जब मुश्किल आ जाए तो सब्र करे, खुशी आ जाए शुक्र करे। आवाज कमजोरों वाली है आप गल भूख नहीं गई सारी जो। बस अल्लाह अल्लाह से खैर सल्लाह, ये भी अजीज और इसमें क्या फरमाया गया, दुआ वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। मुश्किल मुसीबत परेशानी के वक्त रोने पीटने की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है, करना हम सबर तो नहीं फरमा रहे। फिर कई चुप है, अच्छा कई शेरी हिलाते बैठे जो चंगी गल है, शेर हिलाना यह मतलब हों गर्दन च सरिया है नहीं यार, जो गर्दन च है नहीं तो फिर आप जीबा च क्यों लैके बैठे हौली हौली ध्यान फरमाइए जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं। अब ये दो बातें, हमारे यहां मुश्किल आ जाए तो बेसब्री वाली बात, खुशी आ जाए तो किसी का ब्याह आ जाए। यकीन करो हूँ महफिल होंगी पी है ना, तो कई शायद अल्लाह ना करे कोई आइंदा हो, लगता नहीं जिदा सोना तो महल का माहौल है, बस आओ घर अच्छी सारी रात लगे रहे हो यार, सानू तकलीफ दी सानू सोने दिया, पुराने बाबे ने सोने नहीं दिता। तो जो विह हों कंजर ने चढ़ दो बाबा सारे को पहले छोटे ने चल जाओ ताटे देखने वाली शायद नहीं पैगी कुछ हजार कर ला, 80 साल तेरी उम्र है या तेरे वेखने वाली शायद शर्म हजार नहीं पी। जिंदा बंदा बोल लगे है, जिंदा बंदा बोल लगे जवान हो या बुढ़े हो, अल्लाह दे बंदे हो, आप आ गए हूं आप बस जाना ही है। इधर वेख्या जे एक जुमला मैं किसी किताब पढ़िया बड़ा ही सोहना मैनू लग्या, पता नहीं तुसी महसूस करो कि ना करो। उन्हें आख्या आउन दा पता दुनिया से इंसान के आउन दा पता ते तकरीबन 9 महीने पहले लग जाता जी, असरात जाहिर हो जाते जे, वो जान दा पता 9 सेकेंड पहलो भी नहीं जे लगता, कोई पता नहीं किसले टुट जाना है। तो मेहरबानी करया करो यार, अल्लाह की बारगाह तौबा करके फिर सोया करो, किसी का दिल ना दुखाया करो और इमामे पाक के सच्चे गुलाम बन जाओ। इस तरह अगर तबसरा करना है जी, मैं बात अर्ज करता पाया इमामे अली पाक आप जब शहीद हो गए तो करबला से जब काफला वापसी निकलना था उसका जो पहला सबक था वो समाप्त फरमाइए। 71 शहीद हो गए, आखिरी इमाम हुसैन थे, आपने अपनी बहन को बुलाया। और मैं यहां पर एक बात बता दूं, अगर आप जाग रहे हैं तो आपको पता है कि इमाम हुसैन का ये जो काफला करबला में था इसकी टोटल तादाद कितनी थी, ये सोचने वाली बात है, मैं आपको बता देता हूं और थोड़ा सा ध्यान फरमाइए। इमाम हुसैन का जो टोटल काफला था मर्द औरतें बच्चे खादिम मिला के 82 बंदे थे। मैं पता नहीं बोलना, पहली बारी सुन के कौन बोल रहा पता लगा जनाब, ये उलमा नूं पता हुंदा है, मैं आवाम नाल मुखातिब हां, समझ आ रही है, सुनिया करो सुरां दे चस्के चो निकल आओ यार, पर निकल आओ तुहाडी मेहरबानी, को साडा बातां समझ लो, सानू एक कन्ना दे चस्के लै दे के बह गए जी। 82 बंदों का टोटल काफला इमामे अली मुकाम का, वैसे किताब में 150-140 के कॉल भी हैं, 247 का कॉल भी है, लेकिन सही तरीन जो उलमा ने बयान फरमाया वो है 82। कितने जी? 82। और 82 में से शहीद कितने हुए थे? आज रे बाकी बचे सर एक काफला वापस है, ऐ ऐ ऐ समझ आइए आप हजरात को। गिरामी कदर हजरात अपना इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश फरमाए आप हजरात, मैं थोड़ा सा इसको बात खोल देता हूं। 82 बंदे टोटल थे इमामे अली पाक के इस मुबारक काफले के, और जब वापस आए तो उस काफले में शायद 2 या 1 के बारे में कंफर्म है, और वो कौन है? हजरत इमामे ज़ैनुल आबिदीन जो बच के आए थे, बाकी औरतें और बच्चे थे। और इस काफले की सारी निगरानी कौन फरमा रही थी? वो हजरत इमामे हुसैन की बहन सैयदा की बेटी अली की बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں سلام آپ کی شان پر آپ تھی۔ لیکن جب امام علی مقام جانے لگے نا میدان میں تو آپ نے فرمایا میری بہن میرے پاس آ اور میں کوئی تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دھیان فرمائیے، سمجھ آیا بولنا نہیں تو چھٹی ہے تو آنی۔ سبحان اللہ، آپ نے جب اپنی بہن کو بلایا نا تو پتہ کیا جملہ بولا، ہائے 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 کیا صبر تھا میرے حسین کا۔ آپ نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں اور تو بھی علی کی بیٹی ہے، میں بھی
बतूल का बेटा हूं और तू भी बतूल की बेटी है। मेरी बहन एक वादा कर, गल सुनिया जे, चा साबित बोलिया जे, नहीं तो मैं कोई ना आखांगा। फरमाया देखो 71 शहीद हो गए पर मैंने सब्र किया है, मैंने वावेला नहीं किया, इम्तिहान है। अब आखिरी सवाल, 71 सवाल मैं हल कर छड़े ने कि मैं रोया नहीं, जे मैं मैदान छड़ के दौड़िया नहीं, मैं बेसब्री नहीं की थी। आखिरी सवाल रह गया मेरे शकल दे विच, ते हुण जिम्मेदारी सारी तुहाडे ते आ गई है, ते अपने घर दा ये सेवा है कि आपां सब्र ही कीता है। फरमाया मेरी भैन मेरे नाल वादा करके मेरे तो बाद सब्र करेगी, ना वा वेला होवे ना सिर तो दुपट्टा लवे, ते ना ही कोई ऐसा जुमला जिहड़ा रब दी नाराजगी दा सबब हो जाए। और जुमला बोलना है जिहदे नाल रब भी राजी हो जाए, रब दा रसूल भी राजी हो। ये वैसे या हसन या हुसैन कहें तो ज्यादा लुत्फ है। आखिरी ठंडक दमी हजरात, जो मैं बात कह रहा हूं ये वापसी हो रही है। मैं क्या वापसी का सुन तो सही ना, सबक है क्या वापसी का, समझ आ रही है आप हजरात को? मुंडे को जरा थोड़ा जाए बैठे डिस्टर्ब करता पे यार, इधर अजीब जबाल आपने अपनी बहन से क्या फरमाया कि मेरी बहन सब्र करना है, जी ठीक है। अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारना, जी ठीक है। बेपर्दगी नहीं करनी, ठीक है। बेसब्री के जुमले नहीं बोलने, ठीक है। मैंने कहा ये करबला से वापसी पर जो किताबे करबला है ये उसका पहले वर्के का सबक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये पहले वर्के के ऊपर सबक लिखा हुआ है। और आपने इमाम हुसैन ने जब बात कही ना, अब ये संजीदा बंदे तवज्जो फरमाए, आपने फरमाया मेरी बहन ऐसा नहीं गल करनी, कसम चुक के वादा कर। वादा तो वैसे ही काफी था, फरमा कसम चुक के मेरे नाल वादा कर। अल्लाह अकबर। मैं यहां पर अगर आप चाहें तो थोड़ा तफसीर कर सकता हूं इस बात की। हजरत इमाम अली मुकाम वो हैं, इतनी बड़ी आजमाइश आई लेकिन मेरे हुसैन ने सब्र फरमाया। क्या फरमाया है? और सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी इस बेटी ने साबित कर दिया कि हम उस घराने से ताल्लुक रखती हैं जहां ना बेसब्री है, ना नाशुक्री है, ना बेपर्दगी है। क्योंकि सैयदा पता कौन है जिसके ये बेटे और बेटे, पता कौन है जिनका बाल भी किसी ने नहीं देखा। यार मुझे एक बात बताओ ना, आज बंदा इमाम हुसैन का नाम ले और नमाज ना पढ़े, तिलावत ना करे, सैदा ना करे, पर्दा ना करे, क्या फायदा ऐसे हुसैनी का? समझ आ रही है? इसी तरह अगर कोई औरत कहे कि मैं हजरत सैयदा खातून जन्नत की कनीज हूं, मुझे उनके घराने से बड़ी मोहब्बत है, अगर वो ये कहे और बेपर्दगी करे, गलियों में निकले, तूफान खड़ा करे, बेसब्री के जुमले बोले, और झूठी है, सच्ची वो है जो अपने घर में रहे कि जदों मेरी मालकण कर रही है तो मैं कर क्यों ना। जन्नत की सरदार खातून जब उन्होंने पर्दा किया है तो मैं पर्दा क्यों ना करूं। बात समझ आई आप सभी हजरात को? ये असल है, ये असल है बात। लोगों के जुमले कुछ और हैं, किरदार कुछ और है, और ये कसूर भी है। चाहे तो एक जल्दी मैं बात बता दूं, इधर देखें, एक है किरदार मेरे आका हुसैन का और एक है लानती यजीद का, और वो क्या है? इमाम पाक का किरदार तिलावत, नमाज, सजदा, पर्दा, सबर, अमन, अदब, गैरत, इमाम हुसैन का दर्श और सबक है। और यजीदियत क्या है? बेनमाजी, फासिक, फाजिल, शराबी, कबाबी, बेअदब, अहले बैत का, सहाबा का, गुस्ताख का, यह है यजीदियत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब आपने खुद देना है, ना भी दें तो कोई मसला नहीं, पैगाम मेरा चला जाएगा। सारा साल बंदा काम करे यजीद वाले, बेनमाजी भी हो, फासिक भी हो, फाजिल भी हो, शराबी भी हो, कबाबी भी हो, कजर वाले काम भी करे, भैणा भरावां दा हक भी खावे, गाला भी कड्ढे, सूद भी खावे, रिश्वत भी खावे, ते दस मुहर्रम नूं देगा इमाम हुसैन दीआं पकाला है,
बताओ ये क्या है? इसको कहते हैं धांधली, इसको कहते हैं धोखा। हुसैन को धोखा ना दो, उसको तो यजीद धोखा ना दे सका, तू की शह है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये धोखा होता है, अपने आप को सेव किया जाता है, एक देग दे नाल नहीं बचा पाओगे अपने आप को। काम यजीद आले ते देगा मेरे इमाम हुसैन दिया, काम कर सारा साल हुसैन आले, नमाज सजदा पर्दा तिलावत अदब अमन गैरत फरमा रहे, काम कर ऐ फिर पका देग हुसैन दी ते आवे चस। समझ आइए कोई नहीं आइए आप हजरात को मुनवर है ए, असल गल है काम यजीद आले देगा हुसैन दिया करना, काम भी हुसैन के लंगर भी हुसैन, फिर मजा आता है। हमारा इस मामले में भी लोग धांधली कर जाते हैं, ना ऐसा ना करो बहुत खसारे में रहोगे, याद रख ले मेरी बात। अजीदाने मुकरम बात दूर ना चली, आपने अपनी बहन से यह वादा लिया और सैयदाए कायनात आपकी इस लाडली बेटी खुदा की कसम कमाल कर दिया। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो सुना दूं, सुभान अल्लाह, अगर मेरी माएं बहनें घरों में सुनी और यकीन नंगी आवाज जा रही होगी, काश के ऐसा हो जाए कि जब ऐसी महाफिल हो तो किसी घर में एहतमाम करके साउंड लगा के उनको भी जरा सुनवाया जाए, उनको भी पता चले कि इस करबला में औरतों का किरदार क्या। सबसे पहला किरदार उन्होंने सबर किया, दूसरा किरदार पर्दा किया। कोई माई कलाल बता दे सैयदजादियों में से कोई बाहर निकले, कोई माई कलाल बता दे। ड्रामे किए जाते, ये जो रोले रुलाने के लिए बदमाशियां की जाती है ना, और दुपट्टे लात गया तो फलाना हो गया तो चमकाना हो गया तो सैयदा सकीन लुटी गई, तुम्हारा खुदा का खौफ कर लुटिया जजीद गया है, 14 बच्चे सर पर बेगैरत रूह आज जानता कोई नहीं, हुसैन का एक बच्चा बचिया सी गली गली दे तो हुसैन के नजर लुटिया जजीद गया जे हुसैन नहीं, हुसैन तो मेरे रब के सामने सुरखरू हो गया है ना। आवाज कमजोरों वाली हाथ उठा के बोलिए हुसैन के नाम पे सुभान अल्लाह। सारे बोलो ये सिर्फ तमाशे और बाबेले के लिए किया जाता है, तुमने हुसैनियत का सुना ही नहीं। हुसैनियत बयान करके कौम को कमजोर किया जाता है, तो हुसैनियत आईंदी बयान कर कौम एडी तकड़ी हो जाए, वक्त दा यजीद आ जाए ठा करके सीने च बाजे पता लगे हुसैनी बैठा। ओ बैठे हो तगड़े होके बैठो, जरा हुसैनी बन के बैठो। ये तमाशे किए जाते हैं, सिर्फ रोने रोने चक्कर होता है ये। और सैयदी आला हजरत साहब ने फरमाया झूठी रिवायात पढ़ के आप रुलाएंगे तो ये है शदीद हराम है। हाँ सही रिवायात अगर कोई पढ़ रहा है वाकया बयान कर रहा है सही बात, अगर उससे आंसू आ गए वो तो हीरे हैं, इमाम पाक की जब भी याद आ जाए आपको से अथरू आ जाए, उससे अच्छी कीमती चीज क्या है। लेकिन झूठी रिवायतें बयान करना हुआ इन जोगे खो के लगे फलाना टमकाना, और बंदा बाणो बंदा तेनों पता नहीं सहीदा की शान की सी। ये जब काफिला वापस जा रहा था ना तो हजरत इमाम जैनुल आबिदीन को जब बांधा हुआ था, समझ आ रही है मेरी बात की, तो एक जोहरी नामी मुहद्दिस आ गया, ये मुहद्दिस था ठीक है, उसको इमाम जोहरी भी कहते हैं, वो आ गया और आके कहने रोने लग पड़ा। इमाम जैनुल आबिदीन ने फरमाया तू रोई जाना तेन खैर दिया है, तो कहने लगा नहीं मैं तो थोड़ी कैफियत देखी हो आ की हो गया तो बन छड़िया, आपने फरमा चौप है तू की समझना है असि कर कुछ नहीं सकते, इधरों हैंज किया इधरों हैंज किया इधरों हैंज किया हर सलाह के थले मारी, कहता ये की फरमाया ओदी रजा ना हुंदी किसे मां ने जमिया सी को छंडे ने। जिंदा बंदा बोले सुभान अल्लाह, ये रब की रजा थी। अल्लाह अकबर, ये अगर शाह साहब तशरीफ ला रहे जी, मैं थोड़ा जा मेरा बच्चा रहा दे दियो जल्दी जल्दी विचारे चुरा जल्दी 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 इश्क मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत। रास्ता छोड़िए मैं हजरत शाह साहब पीर सैयद मोहम्मद अरशद शाह साहब बुखारी दामत बरकात मौला लिया अकबर।
अकबर। तशरीफ रखिए, हमारी महफिल का हुस्न मुकम्मल हुआ। रौनक महफिल, सदर महफिल वाजिब तकरीम, इज्जत माँ पीर तरीकत खादिम शरीयत मोहसिन आले सुन्नत दरवेश आले सुन्नत पीर सैयद मोहम्मद अरशद शाह साहब बुखारी दामा जिल्लू, आप तशरीफ फरमा हुए। बहुत मुझे खुशी हुई, अल्लाह करीम हजरत के इल्म और फैजान और जिंदगानी में बरकत अता फरमाए। साथ में आपके बेटे भी हैं, अल्लाह ताला इनको भी खैर बरकत नसीब फरमाए। जुमला आपके काफिले के रुफका मुरीदीन व अकीदतमंद, अल्लाह सबको खैर बरकत अता फरमाए। तवज्जो है सब हजरात की थोड़ा सा। क्यों भाई को गल सुन के स्वाद आया कि कोई ना आया, किस्मत लगी कि कोई ना लगी, ये है असल हकायक। लोगों ने यहाँ पर एक नया बावेला नया तमाशा अहले बैत का खुदा की कसम बना के रख दिया। दो ही गल्ला साबित हुई ने, या तो हुसैन कारी कुछ ना सकिया तो कोई कुछ कर ही नहीं, या तो यह तासुर है, तो या ये है कि जनाब जो बादशाह जालिम आवे तो बोलना नहीं, नहीं तो उन्हें तुम्हें मार ही सीटना जे। ए दो तासुर जाते पे ने, तू हुसैनियत बयान कर जे बादशाह दियां लत्तां ना कंबण। चलो मैं एक जुमला बोल लेता हूं अगर आपको समझ आ जाए। इतने तो हुसैन का खादिम आ जाए, जिन्होंने खादिम हुसैन कहते हैं, लत्तां कंबा के रख दिंदा है, तो हुसैन का अपना हाल की होएगा? आपको ये बातें कैसे समझ आएंगी यार? बातें समझने की कोशिश फरमाई जाए मेरे अजीज, और इस बात को समझिए। मैं थोड़ा सा आगे बात को लेके चलना चाहता हूं कि ये जब काफिला चला है ना, चला इसका पहला निसाब अगर समझ आ जाए तो मुहर्रम के महीनों में ना हमारी औरतें बाहर नजर आए, सदके जावां तुहाड़ी चुप तो जिदे अमानता को रख के भी ख्यानत ना हो जाए, ना बेपर्दगी हो, ना ही यहां पर वावेला हो, बल्कि हुसैनी सबक के मुताबिक जैसे रमजान में मस्जिदों में रश पड़ जाता है मुहर्रम च भी पै जाए। क्यों? यजीद ने उत्थे नहीं सी पढ़न दितियां, असी इत्थे हुसैनी बन के पढ़ के बखावांगे। अरे हुसैन ने वहां तिलावत की, हम यहां करेंगे। आ जड़े दुकानां ते रक्षियां ते ठा फा ला लैंदे हो, खुदा दा खौफ करो, इत्थे रब दा कुरान ला पता चले। यजीद दा तू रोकन लगा सी, अज गली गली रब दा कुरान पढ़िया। मेरे हुसैन ने नेजे पे चढ़ के पढ़ा तो हम यहां पर पढ़ेंगे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तमाशा है यार हमारी कौम का। तो बहुत जेड़े देने नहीं, अगे सीधा दे जाओ राह च पूंज काज लेंदे नहीं। पीटीआई वाले इत्थे अपना पीटीआई वाले तो कहना तो होया ना, इत्थे जेने सिटने ने इत्थे अगे फड़ा दियो, मैं लै जाऊंगा यार, टेंशन ना लो, मैं लै जाऊंगा। मैं रोकता हूं हूं, मैं कौन जी रोकता, लै आओ बन्ने टूटे पाटे सारे लै गए, जाल ही नहीं होने चाहिए। हाँ परसों वैसे एक ने दिता जे, हाँ मैं मतलब ये हमारे साथ लोग करते हैं, उसने मैं जब देने गया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, उसने जब मुझे दिया तो मैंने फौरन वो फाड़ के अपने पास रख लिया, फाड़ के इस तो रखे अभी ये ना सिर्फ खाने वास्ते है, इंज धांधली होती जे ये ना किया करें, ये ना किया करें, अच्छी बात नहीं है। हजार तो हल चल जाएगा, सानू अगले दिन दो लाभ जाना जाए, ये मैं सही कह रहा हूँ। बस बंदा मालकां ते छड़ दे, तुम्हारा ही कुछ नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये इस काम को रिवाज नहीं, उरूज नहीं पाना चाहिए, बिल्कुल गलत चीज है, धोखा बड़ी गंदी शह है। बेशक अखीर सियाने कहते जे टोया किसी वास्ते कढ़िया ही ना, वो पोत डिगना तू ही, तो इस वास्ते ये काम नहीं करने चाहिए। तवज्जो है मेरे अजीजों की और मेरे भाइयों की, तवज्जो फरमाइएगा जरा। इसलिए अगर किसी ने को मोहब्बत का इजहार करना है तो तोड़ अपड़ा जाओ, कोई उत्तों सिड़ना जरूरी नहीं, कैमरे च ना भी आया तो कबूल जे। तो उसमें तो हजरत इमाम जैनुल आबिदीन ने वो काम करके दिखाया, सब की आंखा खरोए की हो गया, फरमाया ताकत हुंदिया जोर ना लाया बैठे मन रजान, कोई ऐसी तो किसी की रजा दे वे सी ने यजीद काफला। आखिर कौन सी इमाम हुसैन भला? इमाम हुसैन उसे अली का बेटा है ना कि जिन्हें खब्बा हाथ पाया तो खैबर सारा हिला गया। क्या समझते हैं कि कर कुछ नहीं सकते? आप बुखारी शरीफ पढ़ के देखें, समझ आ रही है? फरमाया कि जिस वक्त बंदा फराइज के बाद नवाफिल पढ़ के अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है ना,
अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको अपना वली जब बनाता हूं, उसके हाथ बन जाता हूं, उसकी आंखें, उसके कान, उसके पांव, उसके जितनी ताकत होती है वो मैं दे देता हूं, और जो चाहे कर लेता है। मैं क्या पुत, 1400 साल तो बाद जो ये काम करे वो बड़िया ताकत ने, तो इन्हों के अबे की मोहर लगन तो बाद बंदा वली बनता है, वो ताकत ही ना हो। सुभान अल्लाह, बुलंद वासे बोलो ना दादा। आपने क्या समझ रखा है? ताकत हुंदिया जोर ना लाया बैठे मन है नहीं, ओ रजा मन नहीं बैठे सुन, वरना ये हो ही नहीं दे सकता। कहां बैठे हुए सरकार, इस बात को समझिएगा। मैंने एक मरतबा फैसलाबाद में ही तकरीर की थी, एक कमीने ने मुझे पर्ची लिख ली, आई आज भी है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे लिखा। वैसे उन्होंने पर्चियां बंद कर छड़ियां, जो पिछले पता वो पिछले दो महल्या मैं कुत्ता पै गया सी, पता ही होगा तुम्हें, हूँ माफिया मांगते फिर दे जे, और ड्रम भी नाल हो भी असं जी थोड़े दर के कुत्ते हैं। मैं कहो तो मैं उसे ही पता लग गया जल्द तुम मैं पै गया सी, उसे ही पता लग गया, लेकिन मैं अपना मुआमला अल्लाह के सपुरद कर छड़िया। मेरा मालिक चुप कर जा, ना लेना कोई जरूरी तो नहीं ना होता, समझ आ रही है? वो जड़ा भी हो समझ आई ना, जिन्हें भी चवल मारनी है असी अपने प्यो वास्ते तो निकले कोई नहीं, असं तो निकले हजूर के दीन वास्ते, असी देना होकरा। तो कई बंदे जे राती मैनू मार के सौंदे जे मैं सवेरे फिर उठ लो, ते कई बंदे ऐसे जे इनिया दुआव देंदे जे, और मेरा ख्याल है जिते मैं 30 साल जीना मैं 50 कट जाने है। तो मेरे मालिक की रजा जिथों का ही आवा, शाला ईमान सलामत रहे, तो मैं मालिका का नौकर ही रवान, तो आले सुनत दे सईदी अमीरे आले सुनत की गुलामी च ही रवान। हों जे काम करना है ना भाजी, बैठे हो लत्त खिंचने, लेकिन कोई ऐसी गल नहीं। मैं वैसे पर्चियां शर्चियां नहीं पढ़ता, उसके बाद मैं बहुत मुहतात हो गया हूं, वो फिर लिख भी आप लेंदे जे, फिर पै भी आप जाते जे। खैर कोई ऐसी गल नहीं है, जलील भी फिर होए, हूँ लभदे भी कितने, हूँ कहते हैं माफी दे दियो, यार माफी वाली गल ही कोई नहीं यार, चुप करके एक वीडियो चढ़ा दे भी मैं चवल मारी है, मैं माफी मांगना। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो गल की है, गल करो। बाकी जिन्हें मसलक का काम करना है रब ने इज्जत देनी है, जिन्हें गद्दारी करनी है उन्हें जलील होना है। बस मुख्तसर जी बात, तजर्बा करके देख लो। उसने पर्ची लिख दी, कहिंदा समर साहब एक सवाल का जवाब दे, बड़ा तू अतारियां जो तकरीरां करना अजकल। यार मेरी जिम्मेदारी लग गई, हूँ मालक उन्हें दिल मोड़ दिते लोगों के, मैं मेरे अंदर तो कोई फनकारी नहीं ना। अग्नि दस फिर हजरत अली नूं तुसीं मुश्किल कुशा कहिंदे हो? मैं क्या हाँ जी जी, वह तो अपने बेटे की मुश्किल कुशाई नहीं की, करबला चल के तेरी तो फिर करनगे ना। तवज्जो है, तकरीर भी मेरी है तो सवाल का जवाब भी मैं ही देना है। मेरी तकरीर से किसका सवाल हो जवाब मैं देना, बाद चाहे उलमा तंग नहीं करना, मैं बैठा दे खड़ा होके कर सवाल मेरी तकरीर से, समझ आ रही है? बस कल बाद मौलवी ने गल करनी सी, मौलवी रात रहने तैयार, तकड़ा हो, टेंशन नहीं लैनी, बाद नहीं कां कां करनी, अजे मेरा रहा जे टाइम, तो सोच ला जे दिल बनी तो खलो रवी। हूं मैं इस तो आख्या, पहले मैं नहीं यह गल की, हूं मैं इस तो आख्या भी शाह साहब आए बैठे जे, हूं मैं इंशाला चक्की दाने पूरे पा के करा, लेकिन ध्यान रखिया जे इस तो तकरीर मेरी, तो किसी का भी सवाल हो मैं जवाब देने तैयार। सज्जे खब्बे का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सज्जी बखाओ कि मैं खब्बी हल, मैनू भी सारे आते जे, मैं भी 9 साल मुहदे से आदम दशहर का पानी पीता, लेकिन ध्यान रखिया कहना दे जवाब उतारीए का। मैंने कहा सुन फिर जवाब तुझे देता हूँ, वो साड़ी पंजाबी एक मिसाल है, अपने फैसलाबाद ही सवाल किया ना भी हजरत अली ने मुश्किल पुछाई नहीं कि अपने पुत्र की तेरी, मैं यार गल तेरी सिटन वाली नहीं पर 2-4 सिटन वाली है, शर्म तो या नहीं पी आती, इतराज करना है पाका ते पलीता, सदके जावां तुहाडी चोप तो है। मैं यार और मेरी गल सुन, वजह पता की है, तवज्जो फरमाया जे, इदां दियां नूं इंजी चुप कराउणा पैंदा जे, इदां दा एक SHO जाए, ओ एक SHO दी तस्वीर ते लगी सी साडे भाई होरां दी, इत्थे आउणा सी मेरे खाणों को काम पै गया, नहीं तो हुंदा तां मैं इहनां नूं हुणे भेज देणा सी नानकियां दे, याद रख इधर तवज्जो मेरे वल करिया जे, गल बड़ी है अकीदे दी है, तैनूं समझणा जे तुसीं। हजरत अली ने मुश्किल कुशाई नहीं की, तुसीं बड़ा कहिंदे याली मदद मैं खो, मैं कहा खलो ओ खलो एवं तेरा साह टुटन डे है, कि मरना है हराम होना है, तो मजाड़ी गल भी सुन लै, मैं कहो गल सुन मेरी, असल वजह पता क्या है? मैं यार तेनों जो 1400 साल तो बाद नवी जनाबली शोशा तू छड़िया,
मैं मैंने एक गल दस है भी इमाम हुसैन के पैदा होंगे पता नहीं लग गया मैंने शहीद होना है अखी आहो मैं नबी पाक ने सारी आजादी कभी हाथ चुके दुआ की हो अल्लाह ये मुसीबत टाल अखे नहीं मैं जो उन्होंने नहीं की तू पराई बरा च नचण आला बरा सी तू किधरों की कह तू मौली साहब तू तो पहली बार मैं सैयदा पाक पता सी आखे आहो मैं कभी आना तू आके आखे नहीं मैं तू मौला अली पाक लाजवाब करता है मैं कला लाजवाब नहीं और मैं बहुत कुछ करना है असल वजह पता क्या इधर देखिए पता मेरे आका को भी था खुद इमाम हुसैन को था इमाम हसन को था सैयदा पाक को था मौला अली को था पर चुप पता क्यों थे वो चाहते ना तो दुआ करके टाल सकते थे काम टाल सकते थे लेकिन टाला क्यों नहीं रब्बा सोने जे तेरी यही रजा है ना सानू तौफीक दे असी तेरी रजा हासिल कर लईए समझ आ रही है मकामे रजा जेड़ा है ना इस ते टिकना किसे किसे दा काम है मकामे रजा ते समझ आ रही मकामे रजा ते टिकना ही हो जे जेड़ा पहले मकामे सबर ते आवे और जिथे सबर भी खड़ो के तके भी यार हूं मैं की करा उथे रजाला कहिंदा है इत्थे आ आ जे रुतबे समझ आई आप अगर आपको इमाम पाक ने फरमाया नहीं अच्छा इहदी वजह क्या है इधर देखना एक इम्तिहान हुंदा है जिहनू पास करना हुंदा है ए साडे बच्चे जे ना इधर देखिया जी पंजवीं पढ़दे हुण सानू पता लग गया ना भी इम्तिहान आ गया आपां नूं ना जूं जूं नेड़े आउणा ना ते टेंशन यार ए परचे नूं किते फेल ना हो जाए नक नहीं रहणी बरादरी आण कहण डन कम अड्डा बेवकूफ यार मैं ट्यूशनां दित्तियां पढ़ाया ता पट्ठा नहीं पढ़िया शाह साहब एडमा जी हजूर शाह साहब ए भतीजे ने परचे देने असं तो नौकर खानदानी है तो फलान फिर भतीजा थोड़ा है वो मतलब की है भी हूँ मैं आ गया सिफारिश लैके अल्लाह का ना जे मेरा मुंडा नकम्मा भी है जहल भी है बेवकूफ भी है इनू पास करा छड़िया जे हूँ मेरा जुमला सुन के जे समझ आवे तो बोल नहीं वरना कोई अरे की गल नहीं है फरमाया इमाम हुसैन के पिछे पता क्यों नहीं गए इस वास्ते पिछे तरले वह करता है जहाँ का बच्चा निकम्मा हो हुसैन वर्गा हो पिछे चल के सिफारिशा नहीं जे करते इम्तिहान वास्ते तैयारी असी करवा छड़ी है ज़बाना चुसाया के प्यास बर्दाश्त करे सिर सही रख के उत्ते बिठाया के नमाज पढ़ के लिखावे अपने कदिया के बिठाया के उत्ते हुसैन टेक के बखावे फरमाया तैयारी असी करवा छड़ी है पास हूं हुसैन ने होके बखा दी तो है आप अगर आपकी सवाल का जवाब आ गया है अल्लाह हाँ जी ग्रामी कदर हजरात ये है असल बात लोग इसको उल्टी तरफ लेके चल पड़ते हैं नहीं इमाम अली पाक इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु आपका इम्तिहान था और इम्तिहान की तैयारी करवा के भेजी थी ठीक है और फिर सवाल आया है अली अकबर चाहिए फरमा हल अली असगर हल और मोहम्मद हल छह पानी नहीं फरमा हल रोटी नहीं फरमा हल हुसैन पाक तो आड़ी भी शहादत चाहिए फरमा हल जेड़ा सवाल आया है ना मालका हल कीता जे रिजल्ट उथे ही आ गया नेजे ते चढ़ के बोलिया भी मेरा हुसैन ही होर बोलिया ते साडा गल करो हाय 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 नेदे से चढ़ के फिर बोलिया भी मेरा हुसैन है समझ आ रही है ये मोहताज तो मोहताज तरीन जुमला है बोलो तो सही ग्रामी कदर हजरात इस बात को समझने की कोशिश करो रिजल्ट उथे ही आ गया और यजीद हार और इमामे पाक का जो ये सरे अकबस नेजित रखिया ना तो नेजित रख के आपू जर उच्चा करके टुर पे मैं कहो ये विच भी एक राज है सुनो तो सुना लवा अल्लाह अकबर यदि ना एक बैकग्राउंड है जो तुम चाहो तो मैं थोड़ा जाओ भी तुम सुना लवा ताकि आपको पता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु से इतनी मोहब्बत फरमाते थे अपने कंधों पर बिठा के आप चला करते थे तवज्जो नहीं फरमा रहे सज्जे खब्बे बेचैनी नहीं पे मुकदी सज्जे खब्बे वेखना बंद करो मेरे वेखो
अल्लाह अकबर। अब जब बच्चे को बंदा कंधों पे बिठाता है और बच्चा भी छोटा हो, और आपको पता है तकरीबन 6 से 7 साल के करीब उम्र थी जब हुजूर ने पर्दा फरमाया, ये उससे पहले की बातें हैं जो मैं सुना रहा हूँ। 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र है और हुजूर कंधों पे बिठाते हैं, जब एडा छोटा बच्चा कंधियां ते बवे ना, दो गल्लां पक्कियां होंदियां ने। बंदा बच्चे नूं कहिंदा कि मेरे सिर नूं काबू करके बही, कितने तू डिग ना पवे, ते थलियां होंदियां ना, इत्थों पिलनियां फड़ के बहिंदा है। नहीं तो जो फरमाई अगर नक्शा आपके ज़हन में आ जाए तो सुभान अल्लाह। अच्छा तो ये सिर्फ एक वाकया सुभान अल्लाह हुजूर दे मुड़ सुभान नहीं हो मेरा चन आ हुण एदा विचो बादाम भन के ना विचो तुहानू मगज़ कढ के विखावा सुभान अल्लाह। समझ आई ना जी, जिवें तुसी चुप बैठे हो दिल ते है भी इत्थे कुफातिया खानी कर जावां जो साहब सुभान अल्लाह, लेकिन जाग लो सरकार जाग लो, ये पाकां दी शान पे बयान होंदी है सुभान अल्लाह। इस चीज़ नूं समझिया जे, सिर्फ एक नहीं है कि मोड़ियां ते बिठा के हजूर पाक लै गए बस, ना 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 ना, ये मैनू लगता है कोई नाने नवासे दियां आपस दे विच को गल्लां पईयां होंदियां मैनू शायद ये पिया लगता जे तुसी आखो कि फिर तैनू की समझ आई तारी साहब को सानू भी दस। मैं कहा सुन, जो इमाम पाक बैठे तो सरे अक्तस पढ़िया के बिल्कुल मेरे आका करीम तो इमामे शरीफ तो बगैर नहीं रेंदे, आखे काल तो ठीक तो की पढ़िया इमामा ते नबी पाक ने पिनलियां। मैं कहते जो मैनू समझ आई है ना ये सूफियाना नुक्ता जे सुभान अल्लाह, जेड़ा नुक्ता जे स्टेज तो आखरी बंदे ताई जरा सजे खबे देख लिया जे किनू समझ आया तो किनू नहीं आया, ते ये आपस गल हुंदी पई है। इमाम पाक उत्थे बैठे ते पगड़ी पाक नू फड़ के गोया के सूफियाना जुबान दे विच कहिंदे पए ने वे नाना जी, जे मोढ़ियां ते बिठा के इना उच्चा कीता जे ना इन्नियां शानां दित्तियां जे ते तुहाडी मैं पग नू कदी थल्ले ना आण देवांगा, कदी दासदार ना होण लेवांगा। सदके भाई सदके सदके, समझ आई? ते मेरे नबी ने जो जवाब दिता फरमाया मैं फिर तेरिया लत्तां नू फड़ लिया ते मैं तेनू जे टोलन दे गया ते गल होई ना। फिर लजपाल हुसैन ने अपना कम करके विखा छड़िया ते मेरे मुस्तफा ने अपना कम करके विखा छड़िया। समझ आई? आ जे विचला मगज़ है, समझ आई है कोई नहीं आई? समझ आ रही है? ये है हजरत इमाम, क्या समझा क्या है लोगों ने? नेजे के ऊपर सर एक दस, रास्ते में लोग पूछते हैं कौन है, जब काफिला वापस जा रहा है तो बदबख्त दुनिया के ताले को कुत्ते यजीदी वो पता क्या कहते हैं, और ये बागी ने अगे वो एक ईसाई सी, ईसाई वो पादरी सी, उन्हें जो वेखे उन्हें आख्या कौन है, कहता बागी। उन्हें एक जुमला बोलिया, मैं मठा जहा बोलांगा जुमले का वजन हो बोल छड़िया गया, अल्लाह जिन्हों समझ दे छड़े। उन्हें कहा कौन नहीं आखे बागी, कहता बागी एडे सोने तो नहीं कोई। उन्हें कहा ना 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 बागी एडे सोने को नहीं जो, ये तो रौला को हो रहे वो अगे दंद कटने लग पे लो रही है गल। उन्हें कहा कि गल हो गई, मैं ठीक है तो जे नबी का कलमा नहीं पड़िया पापा कुछ तो जानना मैं। रात वहां रुके उन्हें आखे यार है सरे अकदस तो मैनू दे दियो, इमाम हुसैन दे सरे अकदस ना नूर की एक लाट पई लै लिया, तो सारी रात लैके बैठा रहा, तो जो पहलो पहलो फरमाते ने फिर मैनू किसी ने आख्या भैया हुसैन दे सिर की तू इज्जत की है तो हूँ तू जन्नत च ना जा पढ़ कलमा। उसने कलमा पढ़ लिया था, कहां बैठे उन्हें पैसे दिते राह चल के खोले, पहलो पैसे सन राह च ठिकरियां बन गई, और उन्होंने भी उत्ते लिखिया वला तहसबन अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, किसे भूल च ना रहा जे, भूल च ना रहा, गुमान भी ना करे जे। समझ आई? के जालिम छोड़ जाएंगे? ना 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 ना, रड़ा कड़ के रख दें। 3 साल नहीं टप्पे, यकीन करो जेड़ा यजीदी मिजाज से चल जाए ना हुकूमत 3 साल ही कटदा जे। जोड़ा हुक्मरान रोंदा फिरदा 3 साल ही कढ़े जे। बड़ा शौक से इन तहरीक वाले दबण का, मैं क्या हूं चानन हो गया ही राजी हाँ, मठे बोलो मठे बोलो कि इस वास्ते ये बातें समझा करें आप हजरात। अल्लाह अकबर, हाय 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 हाय, बहुत लंबा हो जाएगा। चलो शाह साहब का आर्डर है, लोहे का गार्डर है, सुनाना पड़ेगा ना जी। अल्लाह अकबर, बात बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए जो सुन्नी है ना सुन्नी, इसकी खुशनसीबी ये है ना ए अन्ना जे ना ए काना जे,
अन्ना हुंदा जिहनूं कोई ना नजर आवे, काणा हुंदा जिहड़ा एक वेखे ते इक ना वेखे। ओ टीरा हाँ जी वो तो फिर जाहिर सी बात है। अब बैठे हो टीरे होते हैं ना टीरे काम खराब करते हैं। ये पंजाबी टीरा कहते जे, वैसे काना कहते जे, तशरीह करता पे जिमें डंगर मवेशी कहते जे, मतलब एक पढ़े लिखे लफज होंगे जी, कुछ होता होंगे जी, फिर अपनी अपनी एक वंड होंगी है ना जी। ठीक है, जिदा वाले साहब नूं बस औकात मां दा खसम ही कह छड़दे जी, वो एक बेअदबी दा जुमला होंदा, एक अदब वाला जुमला होंदा, एक मुहब्बत वाला होंदा, एक जल्दी समझ आने वाला होंदा, वो एक जुमले होंदे जी। लेकिन ध्यान करिया जी, मैं गल करदा पिया जिहड़ा काणा होंदा जिहनूं आपां टीरा कहिंदे आ, इह एक पासा वेख के ते दूए पासे दा काम खराब कर छड़दे जी, और इंज दा करदे जी बेड़ा गर्क अपना भी कर लैंदे। सुभान अल्लाह, इधर देखे सुन्नी होंदा जिहड़ियां अखां खुलियां ने, अखां खुलियां दा फायदा की हुंदा, एक अख ना सियापा नूं वेखदा जे, दूसरी दे नाल अहले बैत नूं भी वेख ले, सला फायदा हुंदा जी। आ हुण दोनों अखां, मैं ते गुजर गया सी, लेकिन शाह साहब ने मेरा ओ की कहंदे ने रुख ही मोड़ दित्ता, मैं ओ तुहानूं सुणा देवां। देखो नबी पाक अलैहि सलाम दे कंधे मुबारक ते इमाम हुसैन पाक बैठे, हज़रत अली पाक भी बैठे, बड़े नसीबां दी बात है, इस तो वे क्या नसीब के हजूर के मोडिया से। सुनी जो बयान करता सी ना चौड़ा करके बयान करता है, खल के बयान करता है, लेकिन सुनी तीरा नहीं है, अन्ना नहीं है, काना नहीं है। अगर की मतलब है, मैं क्या जेड़ा नबी दे मोडिया से बवे असी ओनू भी मानने, ते जे सिद्दीक दे मोडिया से नबी आप बवे असी ओनू भी मानने। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए, समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही आप हजरात को, तो इस वास्ते इस बात को भी समझा जाए, और ये आले सुन्नत के स्टेजों पर होना भी चाहिए, ताकि हर किस्म का मियार खुल के आपके सामने आ जाए, बात कहीं दूर ना चली जाए। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, आपका ये काफिला चलते चलते जब यजीद के दरबार में पहुंचा, उन्हें ना ये अगर तारीख पढ़ी जाए ना, पहली तो गल तारीख आलम बंदे तो अलावा किसी को समझ आ ही नहीं सकती, जिन्हें आलम बंदे तो कई आलम फिसले फिरते ने, तुसा कितने फिरते हो चलना, समझ आ रही है। तो इस वास्ते हम उस तारीख को मानते हैं जो कुरान व हदीस के मुताबिक हो, बाकी रकब याबिस है, हम उसको साइड पे कर देते हैं। यजीद के दरबार में, यजीद ने पहले थे अपना शहर सजवाया, अच्छे खाने बनवाए, समझ आई ना, जब उन्हें वेख्या कि गेम कितने पलट ना जावे, ना ही उन्हें आख्या इन्होंने चंगा नहीं किया, इन्होंने इमाम हुसैन शहीद कर छड़िया, और मैं उत्थे हुंदा तो मैं काम पूरी सी होण देना। आ गल बयान करके अज भी कई यजीद दे बच्चे बड़ी यजीद की सैड लेंदे जे, देखिए यजीद ने तो आह गल की सी, तुसीं मौलवी सुनाउंदे ही नहीं, ओ यार ओ तां राजी नहीं सी। मैं क्या अच्छा, मैं क्या, मैनूं ना चंद दिन पहले हाजी इमरान साहब ओ दावत इस्लामी दे वड्डे नगरान ने ना, उन्होंने एक बड़ी सोहनी गल की, कहिंदे यार जिहड़ा यजीद दियां ऐवीं वकालतां करे ना, तुसां ना टेंशन नहीं लैणी, उहनूं कहिणा भी जे मां दा दुध पीता ही ना चौक दे विच आ, ते आपां करने आ दुआ, तूं कर भी या अल्लाह मैनूं यजीद दे नाल रख, ते मैं करना या अल्लाह मैनूं हुसैन दे नाल। लो जी दो जुमलियां दे विच ही उहदा पता लग जाए, जे कदी दुआ कर जाए ते गल ते असीं खुश होके करा। ये जिहड़े यजीद दे वकील ने ना, यजीद दे अज निक्के निक्के बच्चे जमूरे, नबी पाक देखदे आ ते बहन वाला हुसैन नहीं दिसे, कोशिश करो समझण की कोशिश करो, यजीद ਉਹਦੀ ਕਈ ਤਰਫਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਯਜ਼ੀਦ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਸੁਣੇ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਮਨਹੂਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੇ ਮਨਹੂਸ ਸ਼ਕਲਾਂ। ਸੁਣੀਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਲ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਕੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਦੱਸੋ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਖੈਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਲਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸੂਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਤਲ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਛੱਡਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਢਿੱਡੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ
रिंग करवाई रखे शैल फेंक के रखे तो उधरों मदीने जाए तो जूती ला के टुर जाए ये तो गल मठे बोलो मठे बोलो हाँ तो मैं सारी कर छी है जो तुम समझ आ जाए बैठे सारे सबक यजीद दे सिखाए हुए जे वो तो फिर करने हुए ना हुक्मराना ने लेकिन असी हुसैनी कौन बस इतने रहना जे बर्दाश्त कर लो पर बदअमनी नहीं करनी लेकिन आ गल ध्यान दे नाल सुनिया जे सारे भरा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो वेखे ना भी गेम घूमती पई है उन्हें आख्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन आज ना की ख्वाहिश है उन्होंने फरमाया आज खुतबा मैं देंगा आखिरी बात और उस बात तुम छुट्टी दे देवगा इस गल के नाल के मदनी चैनल वेखोगे बल्कि पाकिस्तान के कई शहर बड़ा सैलाब आया जे तबाहिया पटके रख दियां जे घर उजड़ गए जानवर माल रुड़ गए मावां दियां गोतां खाली सुहाग उजड़ गए बच्चे रुड़ गए यकीन करो मुश्किल वक्त जे हजूर की उम्मत के मोढ़े मोढ़ा ला के खड़े हो जाओ अल्लाह ने इस इलाके नू महफूज रखे है लेकिन दुआ करो अल्लाह सानू महफूज रखे तो उन्हां दी मदद की तौफीक अता और तुसी मदद करनी है ना बहुत अच्छी बात है जेड़ा जेड़ा तुहाडा रिश्तेदार है ना उन्हों तुसी कुछ ना कुछ कर दियो यारा साडी तरफों असी हाजर दवाई लै दियो कपड़े लै दियो पैसे कर दियो जो जरूरत है वह लै लैन जेडे उत्थे हुंदी है रिश्तेदारी कितने ना कितने ते जे नहीं दिल करदा ही देण नू दावत इस्लामी दा शोभा FGRF है उन्होंने अकाउंट के पैसे करा दे उत्थे जो जरूरत होगी आप ही पुछा छड़नगे साढ़े बस औकात हों नहीं जी असं सारा महला कट्ठा होवे 5 लाख कट्ठा करा फिर ट्रक लैके जावे 1.5 लाख रुपया ट्रक से तेल का खर्चा तोड़िया रोटियां तो टूल प्लाजे निकल आते जे उ 1.5 लाख जो सीधा घर जमें मेरा ख्याल है कि 500 घर होर बच सकते पता नहीं मैं गल समझा सकिया बस औकात फिर सानू उन्ना तजर्बा भी नहीं हों भी असं कितने जाना है कितने की मदद करनी तू इतों आटा लै जमें तो उन्होंने जरूरत हो दवाइया की जिहड़े साडे बंदे बैठे ने जा उन्हां दी मदद करो ताकि वह अगे मदद करन ते दावत इस्लामी तुहाडे सामने है ये जे बेली खाण पीण वाले हुंदे ना तो हुण तां फारग हो जाना सी इन्होंने खाधा पीता कदी नहीं ना पराडुआ ना तित्तर ना बटेरे ना कुत्ते ना घोड़े इन्होंने या मसीतां बनाईआं जे या मदरसे बनाए जे ते या मसीतां भर के आशिक रसूल बनाए फरिश्ते तो नहीं ना समझ आ रही अच्छा इधर एक और गल सुन लिया जे अड्डा वड्डा मजमा अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो 2000 का मजमा जरूर होएगा अगर मेरी गिनती गलत नहीं तवज्जो मेरे अल फरमाया जे हुण उत्थे बंदे कड़े नजर आउंदे पै जे इधर वेख्या जे मेरे अल थोड़ी जी वंड कर लईए ना या दावत इस्लामी या सैलानी या तहरीक लब्बैक या मुस्तफाई ग्रुप समझ आउंदी पई है लो जी आ उत्थे तंजीमा जे किथे जे वह जिहड़ा वह टीवी ते बणदा हुंदा सी कहिंदा जी मैं अज 5 करोड़ दे इनाम बण के जाने ने ओ खनजीर वह कुड़ियां नूं जफ्फे पाउण वाला कुत्ता की ना उहदा जी वाला किथे वह मर गई कौम सालिया तू निकल बाहरों किथे बैठा खनजीरा निकल बाहरों समझ आ रही है वंड हजूर की उम्मत नूं हुण लोड़ी हाजमे ठीक नहीं है लेकिन मैं बोलिया इस तू है यह खनजीर लोग जे सिर्फ उलमा ते भौंकण वाले कुत्ते जे अज निकलना बाहर उत्थे चल के भी को वंड 2 करोड़ बेगैरतियां करते हो हाँ अकारी साहब अल्लाह तुहानू बरकत देवे एक वजीर 50-50 बन के गया है बदनसीबी इस कौम की भी तो है ना यह सजा ओदी भुगत दे पहने होर की समझ आई ना अल्लाह अकबर मैं पूछना चाहना कितने ने वो लोग जेड़े कल तक कहते सन अपने बच्चों को मौलवी ना बनाएंगे खाएंगे कैसे अन्नी दिया एक खांदे भी पै नहीं तो हूं अगलिया खिलाउंदे भी पै और कई तरह प्यो नहीं निकलिया मौलवी निकले नहीं इंशाल्लाह ये खुद बखुद अगे घर छड़नगे तवज्जो है कि कोई नहीं है
गल कि दूर न टुर जाए, मगरी चैनल वेखी रखे जे दावत इस्लामी तुहाडी अपनी तंजीम है। इस तो इलावा हर सुन्नी तंजीम जिहड़े सही उल अकायद लोगों के नाल तल्लक है वह साडे ने, समझ आ रही है। अल्लाह करीम सब नूं उरूज बख्शे। आओ जरा आखिरी बात आपकी खिदमत अर्ज कर, हजरत इमाम जैनुल आबिदीन पाक आपने खिताब शुरू फरमाया, हुण खिताब करे इमाम जैनुल आबिदीन बेटा होवे इमाम हुसैन दा, क्या खिताब दे विच फसाहत और बलागत होएगी। ए जिन्ना इलम फसाहत बलागत नुकते सब इन्हों के घर की लौंडियां जे, सब सईदा के घर का जे, मैं बिल्कुल मुबालगा नहीं जे कर रहा। आपने जो खिताब शुरू किया तो हालत दसी ना भी असल मसला की सी, लोग तो सोची पे गुना अच्छा इंज सद के खत लिख के रात प्यासा मार चढ़िया रह तभी नाल ही उन्हें कहा अजान पढ़ो कि गेम ना खुल जाए, या अपनी फौज को कहता जल्दी जल्दी जनाब इतना खड़े हो जाओ कि हलचल ना पैदा हो जाए। उसने मीडिया ट्रैक तो इंज होंगे नहीं भी पता लगे लाइव चलता पाया की होंगे पाया तो रौला पै जाए, लोग हर शह घुट लेंदे सर ना, उन्हें जनाब हर शे उत्थे घुट ली तो कहता जी अजान अजान शुरू हो गई। इमाम जैनुल आबिदीन ने ठंडा साह भरिया भी जालमा तेरे अंदर इन्नी जरूरत भी नहीं कि साड़ी तकरीर सुन सके, जो आया ना शदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो आपने तड़प उठे थे, आपने एक जुमला बोले, आपने फरमाया यजीदा गल सुन तू तो सारियां नूं शहीद करा छड़िया है लेकिन वेख ला फिर भी दरबार तेरा है तो ना मेरे नाने दे मेरे नाना चलना की कर ले की बगाड़िया की हो, मर नहीं गया तू तेरे वास्ते मौत नहीं, जेदी तू नस्ल मुका छड़ी आज ना होता लेंदा पे है क्यामत तक वास्ते तेरा ना कोई नहीं लेगा, या साड़ा लेगा या साड़े नान के आंदा लेगा। ये थी शानी अकदस हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी, और आपने इस तरह करके उनकी गैरत को जगाया। अब ये बहुत बात है लेकिन मेरी माओ बहनों के लिए भी एक पैगाम दे दूं, एक बाद उलमा लिखिया 6 महीने बाद लिखिया 40 दिन एक काफिला वापस करबला तो मदीना पहुंचिया, ठीक है बाद 6 महीने लिखे ने बाद 40 दिन, और फरमाते ने यह जेडे 40 दिन सड़ना ये तवज्जो करो तो इन्ह 40 दिन हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप इस काफिले की सरबराई फरमा रही सन, जो मुख्तसर काफिला से, और पता किस तरह लेके गई ना, बेपर्दगी की ना वावेला कीता है सबर कीता है, समझ आई ना, ये हो ही नहीं सकता कि अखा उन्होंने नम ना हो जिन्हें सारा कुछ वेख्या है लेकिन बेसबरी नहीं की, समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा अगली बात जी खास कर लगे आज तवजो मेरे अल हजरत सैयदा पाक की सीरत पढ़ के वेखो, ये जड़े 40 दिन सन और बाकी उन्होंने जिंदगी बिलखसूस 40 दिन 5 नमाजा से बड़ी दूर की गल है, आपने तहज्जुद की नमाज भी नहीं सी। अज मेरिया मावा भैन वास्ते भी ये सबक, जो मेरिया मावा भैन घर कुरान पढ़िया करो, यकीन करो नाराज ना हो जे कोई तलख गल निकल जाए, जे साडिया कई घर कुरान कपड़े वाली अलमारी के उत्ते पिया होंगे ए जी मिट्टी जमी होंगी, कई बार छाबे पा के पेटिया के उत्ते रखा होंगे, शायद किसी घर एक बेहतरीन अलमारी होक्स जिद कुरान शरीफ तशरीफ फरमा हो, नहीं तो साड़िया जुतियां के डब्बे वखरे, चूड़िया वाले वखरे, और डेंटिंग पेंटिंग के समान के वखरे, पलास रखने वाले डब्बे वखरे नहीं है, तो कुरान का बॉक्स नहीं है साढ़े घर, ए जिन्हें बैठे हो ना आज मेरी तरफ ये नुस्खा ले जाओ, सवेरे उठ के अपने घर एक खूबसूरत बॉक्स बना के ना कमरे चला दे जिद रब का कुरान तशरीफ फरमा, अज इस कुरान की इज्जत कर लै कसमे रब की तू कबर च जाएगा कुरान तेरी इज्जत करेगी, इज्जत भी करनी क्या मैं ये नहीं कहता वादा करो, नीयत कर दे कि असी कुरान का बॉक्स एक अच्छा काश के साडे घर एक कमरा खास हो जाए जिद तस्बियां पईयां हुण कुरान पिया होवे जाए नमाजा विशियां हुण ससी घर च नमाज पढ़नी, उत्थे मर्द ते मस्जिद पढ़ सकदा औरत नहीं पढ़ सकती, फितने का खौफ है इस वास्ते वह घर च पढ़न, इहदा नाम उलमा दी जुबान दे विच है मस्जिद बैत, इहदा मतलब होंदा घर दी मसीत, और इसे वास्ते मालकां फरमाया सी कि अपने घर नूं कब्रिस्तान ना बनाया जे, तो पूछा कि दा मतलब की है, शारी ने हदीस लिखते हैं मतलब है भी जिहदे घर सईदा ना होवे रब दी बारगाह च वह कब्रिस्तान, कब्रिस्तान सामने बिला हायल सामने कबर होवे तो उत्थे बंदा सईदा नहीं कर सकता, हाँ कंध कुंदा जे कर सकदा जे, समझ आया, जिहड़े घर सईदा नहीं हुंदा वह फिर कब्रिस्तान ही है ना, इत्थे करदे कोई नहीं एडे मुर्दे ने जिथे सईदा जावे हो, समझ आ रही जे, इस वास्ते मेहरबानी फरमाओ तो अपने घर पैगाम लेके जाओ, अल्लाह करीम तुहाडी साडी हाजरी कबूल फरमाए, आमीन वाखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाह।